हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समरीन की रसोई। आज हम बनाएंगे बटर नान और पनीर की सब्जी, मसाला सब्जी। तो ये देखिए, हमने 500 ग्राम मैदा ले लिया है, हमने 2 चम्मच शुगर ली थी उसे पीसकर पाउडर बना लिया है हमने, तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 2 चम्मच। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे हम, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। तो ये देखिए, हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि शुगर, नमक, काली मिर्चें, बेकिंग पाउडर सब एक जगह सही से मिक्स हो जाए। तो हमने इसमें 300 ग्राम दूध ले लिया है। 300 ग्राम दूध लेने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो ये देखिए, अब इसे ऐड कर लेते हैं। हमने दूध गर्म कर लिया था क्योंकि हमें आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। जितना गर्म दूध होगा उतना ज़्यादा आटा हमारा सॉफ्ट गूंदेगा। ठंडे दूध से गूंदेंगे तो आटा हमारा ऐड सकता है, इसलिए हमें आटे को टाइट नहीं गूंदना है, हमें सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो हम दूध से गूंदेंगे, आप पानी से भी गूंद सकते हो वैसे तो। वैसे दूध से गूंदने का टेस्ट अलग ही आएगा क्योंकि हम यहाँ पर सॉफ्ट वाले नान बना रहे हैं, बटर नान। तो हम सारा ही आटा दूध से गूंदेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो मतिया है। तो ये देखिए, हमारा आटा जो है गूंदने ही वाला है। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम इसमें लगाएंगे मुक्की। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो बराबर गूंद रहा है, इसे खूब अच्छे से गूंदना है। सारी मेहनत आटे पे ही है, जबी तो हमारे नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो हमारा आटा जो है, हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए, जितना आपको लगे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए, मैंने पूरा आटा आपके सामने ही गूंदा है, आप ऐसे आटा ट्राई कीजिए, इसे पटक पटक कर गूंदिए। बहुत ही बढ़िया आटा गूंदने वाला है और बहुत ही पानी थोड़ा सा अब हम लगाएंगे इसमें। हमने पानी बाद में लगाया है, बहुत ही थोड़ा सा, 1-2 बार। तो ये देखिए, हमारा आटा गूंदने वाला है। तो आटा जो है वो गूंद कर रेडी है। तो अब हम इसे 1/2 घंटा रेस्ट पे रखेंगे, 1/2 घंटे के बाद इसे देखेंगे। तो 1/2 घंटा जो है वो हो चुका है। हमने मैदा ले लिया है सूखा, अब हम बनाएंगे पेड़े। ये देखिए, हमारा पेड़ा बन चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसकी लोई। लोई बनाने के बाद इसे बेलेंगे। हमने दूसरा पेड़ा भी ऐसे ही तैयार कर लिया है, इसमें मेथी, काली मिर्ची दिखाई दे रही है आटे में, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, नान भी बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो ये हमारी लोई तैयार हो गई है, हमारी दूसरी लोई भी तैयार हो गई है। तो ये देखिए, हमारी लोई बना रहे हैं दूसरे पेड़े की भी। हमारी दोनों लोइयाँ तैयार हैं, तो अब हम इसे बेलेंगे। हम इसे चकले पे नहीं बेल रहे हैं, जैसे कि हम तंदूर में बिना गैस के, बिना तवे के रोटी बनाते हैं, तंदूरी रोटी मतलब नान बनाते हैं, वैसे ही हम बिना चकले के बना रहे हैं ढक्कन पे। तो ये देखिए, हमारा जो नान है वो बिलकर तैयार है, बेल लिया है हमने इसे। तो अब हम इसे डालेंगे तवे पे। हमने गैस तेज़ कर ली है, हमने इसे एक तरफ से पानी लगाया है,
तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हम गैस कर देंगे लो। अब हम इसे तवे को पलटकर जब सेकेंगे, ये तवा नान बन रहा है। तंदूर में नान बनता है, हम तवा नान बना रहे हैं। तो देखिए हम इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे सेकेंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो जल जाएगा। हम इसे धीमे धीमे सेकेंगे। अब हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसे धीरे धीरे सेक रहे हैं, चारों तरफ से सेकना है बराबर, कहीं से कच्चा नहीं रहना चाहिए, कहीं से जलना भी नहीं चाहिए। सो गाइस, कैसा लग रहा है नान? आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें। अब हम गैस करेंगे तेज़, क्योंकि हमारा थोड़ा सा नान रह गया है, वैसे सिक चुका है हमारा नान, हमने गैस थोड़ी सी तेज़ कर ली है। तो हमारा जो नान है वो हम चारों तरफ से सेक रहे हैं, तवा दिखाई दे रहा है लेकिन नान नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए अब नान दिख रहा है। तो हमने चारों तरफ से बराबर नान सेका है। तो हमारा नान जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तंदूर जैसा सॉफ्ट मुलायम बेहतरीन नान बनकर तैयार हुआ है, तवा नान। तो ऐसे ही हम दूसरा नान भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा नान बनकर तैयार है। तो अब हम इस पर लगाएंगे बटर। हमें बटर कंजूसी से नहीं लगाना है, बटर बहुत सारा लगाना है। वैसे आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, जिसे बटर पसंद हो जिसे ना पसंद हो। तो हमने इस पर बटर लगा दिया है। तो ऐसे ही अब हम दूसरा नान भी तैयार करेंगे। तो चलते हैं अब दूसरे नान की तरफ। तो ये देखिए हमने दूसरा नान भी तवे पर लगा दिया है। गाइस इसमें भी बबल्स आ गए हैं, देखिए उसी की तरह। तो अब हम इसे भी तवा उल्टा कर जब सेकेंगे। हमने गैस को तेज़ कर लिया है, अब थोड़ा मंदा कर दिया है। तो बराबर हम इसे चारों तरफ से उसी की तरह सेकेंगे। तवे को हमें चारों तरफ से घुमाना है, एक ही तरफ से नहीं घुमाना है, जबी तो चारों तरफ से सिकेगा नान। तो ये देखिए कैसे सिक रहा है हमारा नान, ऐसे ट्राई करके देखिए। हमारा नान बनकर तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा, जैसे हम तंदूर से निकाल कर लाए हों। तो गैस मंदी है। तो ये देखिए हमारा नान बनकर तैयार है। अब हम इसे छुरी की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि चिमटे की मदद से निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। हम छुरी की मदद से निकाल रहे हैं, हम इसे आराम आराम से निकालना है, हम इसे तोड़ना नहीं है। तो ये देखिए हमारा बराबर नीचे से भी बढ़िया सिका है और ऊपर से भी, चारों तरफ से अच्छे से सिका है। अब हम इसे थोड़ा दबा कर जब सेकेंगे नीचे से। तो अब हमारा नान जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बाकी के सारे नान हमने ऐसे ही तैयार करे हैं। ये देखिए हमने बाकी के नान पे भी बटर लगा दिया है। तो अब हम करेंगे नान के बाद सब्जी तैयार। हमने दो चम्मच ऑयल ले लिया है, छोटे दो चम्मच। हमने दो प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ की, उन्हें पीस लिए हैं, और दो टमाटर लिए हैं, गरम मसाला और ज़ीरा, हमने टमाटर भी पीस लिए थे। और ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। जब ज़ीरा हमारा पक जाएगा उसके हम बाद डालेंगे गरम मसाला। तो हमारा जो ज़ीरा है वो पक चुका है, हमें ज़ीरे को जलाना नहीं है वरना हमारी सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी हमें ज़्यादा तेज़ नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज, जो हमने पहले से ही पीस के रखी थी दो प्याज। तो अब हम प्याज को भूनेंगे। हम प्याज को 3 से 4 मिनट भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में उसके बाद इसमें बाकी और कुछ डालेंगे, हमें इसे ही अच्छे से भूनना है। प्याज अच्छे से भुनेगी तभी कुछ होगा, तभी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बेटर बनेगा। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब हम इसे भून रहे हैं। जब ये भून जाएगी
उसके बाद 4 मिनट बाद हम इसमें और कुछ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है वो भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर जो हमने पहले से ही पीस कर रखे थे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पीस लिए थे, अब वो इसमें ऐड कर दिए हैं हमने। तो हम इसे भी 3 से 4 मिनट भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें क्योंकि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गाढ़ा पिसे हुए हैं। ये जब 3 से 4 मिनट भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया। अब हम इसे भूनेंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई पे ही हमारा रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, उसे हमने अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे, हमें इसे तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भूनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही। हमें 1 चम्मच दही डालकर भी भूनना है इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। आप अमूल की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, कैसी भी मलाई यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मलाई होनी चाहिए, लेकिन हमने इसमें दूध लिया है। इसका टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं और मलाई भी। अब ये देखिए भुनाई पे आ चुका है, ये भुनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम दूसरा पैन रख लेते हैं। हम इसमें डालेंगे मक्खन। हमने इसमें 2 हरी मिर्च ले ली हैं, वो काट कर डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने पहले से ही काट कर रखा था। तो सारा का सारा डाल दिया है। हम इसे हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते और चलाते चलाते फ्राई करना है ताकि पनीर अच्छे से फ्राई हो सके। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 टीस्पून डालना है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़रा ज़रा सा डालना है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने इसमें मसाले इसलिए डाले हैं क्योंकि हम जब पनीर वैसे ही डाल देते हैं कच्चा तो हमें फीका फीका लगता है, इसलिए हमने इसमें नमक मिर्च डाला है। बाद में जब हम खाएंगे तो इसमें हमें फीका फीका नहीं लगेगा, तो हमारा जो पनीर है वो फीका फीका नहीं लगेगा हमें। तो ये देखिए हमारा जो पनीर है वो अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम। गैस को हमने लो करके रखा है, मीडियम लो पर। धीमी धीमी आंच में सेकना है, हमें इसे जलाना नहीं है, चलाते चलाते। तो हमारा जो पनीर है वो सिक कर तैयार है। अब हम करेंगे गैस बंद और अब हम इसे डालेंगे अपने मसालों में। तो हम इसे बैटर में ऐड कर देंगे जो हमने मसाला पहले से बना कर रखा है। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए पनीर और मसाले दोनों एक साथ ऐड हो चुके हैं। हमारा पनीर मसाला तड़का बनकर तैयार है। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो अब हम इस पर डालेंगे गरम मसाला। हमने इसमें पनीर मसाला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया के बगैर तो कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए कैसा बढ़िया लग रहा है पनीर। तो अब हम इसे करेंगे सर्व। हमने तो इसे नान के साथ ही सर्व कर दिया, आप जिस चीज़ में चाहें पसंदीदा उसमें सर्व कर सकते हैं। गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। गाइस ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए लाइक करते रहिए। तो हमारा पूरा का पूरा बटर और नान पनीर बनकर तैयार है।
देखने में भी अच्छा है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बटर नान पनीर मसाला तड़का बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।